सरकार विधायक जी तो कह रहे थे कि मिला है खाद सो। झूठ बोलते हैं सब, हम लोगों को नहीं मिला है। 400-500 में तो हम खरीद करके लाए हैं, वो हम बता ना रहे हैं। जब जरूरी पड़ा तो बहुत खुशामद करने के बाद कहने के बाद 400-500 में दिया। फसल ठीक ठाक हो जाएगा ना? फसल कहाँ से होगा? यूरिया मिलवे नहीं करेगा, खाद मिलवे नहीं करेगा तो कहाँ से होगा? तो विधायक जी तो कह रहे थे कि जो यूरिया पूरा मात्रा में मिला है। जिसको मिला ना मुँह देखल नहीं दे रहा है, मुँह देखल दे रहा है। तो पानी पटाने के कितने दिन बाद आपको खाद मिला? 8 दिन के बाद। कविता जरात में नींद नहीं होता था, 4000 पानी पटवन में लग गया रुपया, बाप रे मंगनी में मकैया गहूम चला गया। मगर 8 दिन के बाद खाद आया, मगर की फायदा करते जब पानी तो सूख लिए गए, छिट लिए कर्जा पर पत्थर रख कर। आप खेती करते हैं? हाँ, खेती तो कर रहे हैं। क्या खाद मिला है? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। घर तो थोड़े पहुँचा, गए हैं लाने? हाँ गए हैं, घुमा दिए हैं, कहा ना कहे हैं जो लाइन में लगी तो खाद मिलेगा। वो में बोतल का रहा है लेने के लिए, बोतल कौथी का बोतल क्या मिलता है खाद में? वो बोतल मिलता है 1 लीटर। तो विधायक जी तो यहाँ पर कहे कि हमारे कहने से 58 टन यूरिया आ गया। आगे तो कहा यूरिया तो विधायक जी जो कह रखी तो यूरिया हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। अभी हम आ गए हैं इंदौर में, और इंदौर में यहां पर किसानों से हम बात करेंगे कि क्या उनको समय पर यूरिया मिला है, जिसको लेकर फसल काफ़ी दिनों से यहां पर देखिए लोगों का कहना था कि 8-8, 10-10 दिन यहां पर हो गए हैं पानी पटाए, उसके बाद भी यूरिया नहीं मिल रहा है। और कहीं कहीं दूर दराज में अगर यूरिया मिलता है तो ब्लैक से, वो भी 400-500-600 रुपये के हिसाब से मिलता है। देखिए हम इंदौर में आ गए हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग एक साथ बैठे हुए हैं क्योंकि अभी मवेशी को खिलाने का समय हो गया है। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या नाम है? वेद। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। यूरिया आप लोगों को मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। तो कैसे खेती हो रही? एनाइते गोबर डाल के। गोबर डाल के ऑर्गेनिक खेती आप लोग कर रहे हैं? एनाइते खेती पथड़ी एनाइते होता है। फसल ठीक ठाक हो जा रहा है ना? फसल कहाँ से होगा? यूरिया मिलवे नहीं करेगा, खाद मिलवे नहीं करेगा तो कहाँ से होगा? तो विधायक जी तो कह रहे थे कि जो यूरिया पूरा मात्रा में मिला है। जिसको मिला ना मुँह देखल नहीं दे रहा है, मुँह देखल दे रहा है। तो बोले कि मोहद्दीनगर में पूरी मात्रा में 58 टन, तो पिछले दिन आया है कि 58 टन यूरिया आ गया। इससे पूछिए ना, उन्हीं से पूछिए, बोले में तो राखी हुई। वही तो पूछ रहे, अभी पिछले दिन 58 टन पेपर में हम देखे, इसलिए हम कहे कि लोगों से ही मिल लेते हैं यूरिया। नहीं देता है यूरिया, नहीं देता है, मनमानी 500-600-400 लेकर के देता है, कहता है बोतल लीजिए फलना कीजिए, यही सब तो कर रहा है। ये जो पेपर में आया बात की 58, सब सरकार ठगता है कि पेपर में आता है? सरकार का है ठगे, यहाँ पर तो धरना प्रदर्शन किया। सरकार ठगता है, ये सब क्या करेगा, सरकार ठगता है। अरे आंदोलन तो करने के लिए तैयार थे, उसके बाद ना आया 58 टन यूरिया। आया तो यहाँ दे नहीं रहा है, कहाँ दे रहा है, चलिए बाजार में पूछिए। कहता है बाजार में का है, गोदाम में ना आया होगा? गोदाम में हम लोगों को कभी नहीं दिया। कभी ना दिया? कभी नहीं दिया, जाते हैं घुमा देता है तो कहता है ये नहीं है। हाँ, तो बाजार में कहाँ जो तो सरकार झट करने जाएंगे, वो तो प्राइवेट से कहीं मिलता नहीं खाद, आपको कहाँ मिल जा रहा है? हाँ, खाद दुकान है ना बाजार में, हाँ। सरकारी खाद आता है, प्राइवेट में खाद नहीं कि मिल रहा, तो आप लोगों को कहाँ से मिल जा रहा है? हम लोगों को नहीं देता है, पक्ष अध्यक्ष भी सब बेच लेता है, देता है एक गो पैक्सो वाला सब जो है से बेच बाच का खिस्सा खत्म। तो क्या मांग कर रहे हैं कि सरकार से आप लोग? अरे हम लोगों को तो किसान को तो चाहिए भाई, खाद हर उपलब्ध होना चाहिए, और क्या मांगेंगे, आ क्या देगा सरकार? विधायक जी तो कह रहे थे कि मिला है खाद सो। झूठ बोलते हैं सब, हम लोगों को नहीं मिला है, 400-500 में तो हम खरीद करके लाए हैं, वो हम बता ना रहे हैं। जब जरूरी पड़ा तो बहुत खुशामद करने के बाद कहने के बाद 400-500 में दिया। हाँ, तो किसी तरह काम चलाए, किसी तरह काम चलाए। हाँ। चलिए और हैं, आप बताइएगा, आप खेती करते हैं? हाँ, खेती तो कर रहे हैं। क्या खाद मिला है? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। घर तो थोड़े पहुँचा, गए हैं लाने? हाँ गए हैं, घुमा दिए हैं, कहा ना कहे हैं जो लाइन में लगी तो खाद मिलेगा, वो में बोतल का रहा है लेने के लिए, बोतल का बोतल क्या मिलता है खाद में? वो बोतल मिलता है 1 लीटर की। हाँ, 500-600 रुपया लेते हैं खाद, देते हैं खाद, हम लोग को नहीं मिला। देखिए आलू का फसल हाँ। कितना खराब है, घूम घूम कर जाते हैं, बैठ के चल आते हैं, अपना नहीं मिला हम लोग। कैसे खेती हो रहा है? कि ना गोबर पटा के हो रहा है, गोबर पटाते हैं साल में, अपना बुझाते हैं।
विधायक जी से मिले हैं कभी? की कहिए? विधायक जी नहीं, हम लोग नहीं मिले उनसे। विधायक जी तो कहे कि पेपर में नहीं मिला है हम लोग के खाद, खाद मिलता तो पटाते नहीं खेत में। तो पेपर ऊपर में आता है, पेपर पर पेपर में आते हैं, मगर हम लोग को तो नहीं ना मिलता है। भर भर दिन खड़ा रह जाते हैं लाइन में, खाद मिलवे नहीं करता है। बाहर में मिलता है? हाँ बाहर में मिलता है, दुकान से लाते हैं ना। चलिए ये कह रहे हैं कि हम दुकान से लाते हैं, लेकिन हमको पेपर में, आपको हम बता दें कि पेपर में 58.5 टन यूरिया यहाँ पर घोषणा किया गया था। आप देखे होंगे पिछले दिन पेपर में आया था कि 58.5 टन यूरिया मोहद्दी नगर में आवंटित किया गया, वो यूरिया गया कहाँ आखिर? सरकारी गोदाम से न मिले की कहा? सरकारी दुकान पर तो देवे नहीं करे छै। की कहे छै? कहा थे कि ये नंबर लगाइए दिसंबर नंबर के करवा जैसे बने को माल नहीं आया है। उफेर में तो हमरा के बुते ट्रैक्टर पर लाद कर ले जाय छै सब, हमरा के घुमा देलक सब। हां ट्रैक्टर पर लाद के कहां जाय छै? दुकानदार सब के बने खोई छै की होय छै? अच्छा तो किसान को कहा जाता है कि रेट लगा हुआ है आ रहा है तो दे। अब उसे तो मनमानी बेचै छै, बने से ले गेले तो 500 रुपए बोरा। एक जना पूछ लिया है हां जाओ तू कहां से यूरिया ले ले जा, हम तो फल्ला जगह से ले लिया 600 रुपए बोरा दिल खन। अरे बाप रे, हमारा के महाराज गेहूँ पटेला 8 दिन हो गया है, सियारन हो गए जो 4000 रुपया पानी के चला गया 200 रुपए घंटा पटा को। पर केना केना कत तो ऊपर भेल तो जाकर खाद दे लिया। क्या समस्या है? समस्या तो खादे खादे के यो करे खादे से बुआ के अभी खादे के लिए अभी घूम के पंडित जी सरकारी खोल ले अखिन 266 रेट लिख ले। अच्छा 400-500 में बोरा बेच सके। 400-500 में बेच रहे हैं और सरकारी है? हाँ। कहाँ क्या सोच रखे थे? हम लोग सोचा था जे जाकर कलेक्टर के यहाँ जाएंगे ये बताइए ऊपर से लोग कहता है जे खेती में यह मदद करते हैं वह मदद करते हैं, सरकार आए यहाँ यूरिया मिलिए नहीं रहा है, समय पर DAP हम लोग को नहीं मिला, ब्लैक से DAP लेकर तो बाव किया। अब मान कर चलिए 1600-1800 रुपए बोरा DAP लेकर हम लोग बाव किया है, बताइए 1800 रुपए बोरा लिया DAP। तो विधायक जी तो यहाँ पर कहे कि हमारे कहने से 58 टन यूरिया आ गया। आगे तो कहाँ यूरिया, तो विधायक जी जो कहलक तो यूरिया है कहाँ? तो सरकारी खजा, इसका मतलब गोदाम में न आ करके ये प्राइवेट जो बिजनेस के लिए उसके यहाँ पहुँच रहा है। सर प्राइवेट बेचना नहीं है इस खाद को, लेकिन प्राइवेट से तो बिक रहा है ना? खूब दंगल प्राइवेट से बिक रहा है, धरले इस पर कोई रोकथाम नहीं, कोई रोकथाम नहीं है। इस पर तो लेना चाहिए ना एक्शन, एक्शन जरूर लेना चाहिए। किसान मर रहा है, पानी पटाओ खाद दो, खाद मिल नहीं रहा। पानी पटाने कितने दिन बाद आपको खाद मिला? 8 दिन के बाद। 8 दिन के बाद कली तो रात में नींद नहीं होता था, 4000 पानी पटवन में लग गया रुपया बाप रे, मंगनी में मकई या गहूँ चला गया। मगर 8 दिन के बाद खाद आया, मगर की फायदा करते जब पानी तो सूखिए गए, छिटलिए करजा पर पत्थर रख कर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर किसान की ये स्थिति है कि 8 दिन पानी पटाने के बाद इनको खाद मिला और वो भी 350 रुपये के हिसाब से इनको खाद मिला। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पोस्ट भी, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।